नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड का लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग का। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि आपको हमेशा इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमें ये सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, हमें ये आता नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो देखो, मैंने लगभग लगभग इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपका सारे के सारे टाइप्स को इसके अंदर, क्यूब भी, क्यूबॉइड भी, और कैसे नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कट्स कैसे करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स, सारे के सारे मैं इसके अंदर इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि इसके अंदर आपका सारा का सारा कवर हो जाए। तो देखो, क्यूब क्या होता है, हम सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एग्जैक्ट चीज़ क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्यूब के बारे में बताता हूँ कि ये क्यूब होता क्या है। यहाँ देखो, ये एक क्यूब है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये एक क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब में क्या होता है कि फेस, एजिज और वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर्स। मतलब आप एक तरीके से ये मान लो कि आपने 3D मूवी देखी है आज तक। 3D मूवी में क्या होता है कि जैसे जो मूवी है वो आपके सामने चल रही है, वही तो है। बस सेम ऐसे ही हम ये मान लो आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी रूम में बैठे हो, वो एक तरीके से आप अज्यूम करके चलो कि वो एक क्या है, क्यूब है। ठीक है, एक रूम में बैठे हैं हम। अब क्यूब की जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट क्या होती है कि जिसके अंदर 8 तो वर्टेक्स हो। कितने? 8 वर्टेक्स हो। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हो। आप रूम के अंदर बैठे हैं तो आप चारों तरफ देखो कि 8 कॉर्नर्स मिल रहे हैं आपको, तो आप देखेंगे कि हाँ भाई चारों तरफ कॉर्नर्स हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और उसके बाद में फिर एजेस कितने हैं? 12, 12 एजेस, मतलब एज का मतलब साइड, साइड हमारी 12 है कि नहीं है, आप दोबारा से देख सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी रूम में बैठे हो, आप अज्यूम करके चलो कि आप एक क्यूब के अंदर बैठे हो। ये सारी की सारी डेफिनेशन एक रूम पूरा का पूरा डिफाइन करता है, मतलब 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 6 सरफेसेस या फेसेस। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया? क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्यूब में ये देखोगे क्या कि जो हमारे कलर है, आप क्वेश्चन में क्या आता है कि कलर के टाइप में पूछ लेते हैं कि 3 फेस कलर कौन से होते हैं, 3 से ज़्यादा 4 फेस कलर कौन से होते हैं, 5 कौन से होते हैं, 6 कौन से होते हैं, 1 कौन से होते हैं, 2 कौन से होते हैं। अब आप ये देखोगे कि 3 से ऊपर तो फेसिस पे कलर हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? जो 3 कलर है वो हमेशा कॉर्नर पे मिलेंगे। देखो, 1 2 3 कॉर्नर पे मिलेंगे, कॉर्नर से अलग तो कोई मिल ही नहीं सकते 3 3 फेस। ठीक है, और 2 फेसिस हमेशा एजिस पे मिलेंगे, मतलब साइड्स पे मिलेंगे, एजिस पे 2 फेस, एक तो यहाँ एक यहाँ, एक जैसे हमारा सरफेस है, एक ऊपर एक साइड वाला, 2 फेसिस की तरफ, कॉर्नर्स के अंदर हमारे 3 फेस, 2 फेसिस हमारे हमेशा एजिस पे, और 1 फेस हमेशा हमारे कहाँ होते हैं? मिडल में, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, समझ आया आपको? दोबारा से बताता हूँ, 3 फेस हमेशा कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे, 2 फेस हमेशा कहाँ होते हैं? 3 फेस हमेशा कहाँ होते हैं? वर्टेक्स या कॉर्नर्स, 2 फेस हमेशा एजिस या साइड, और 1 फेस हमेशा मिडल। ठीक है, आपसे ये ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और क्वेश्चन ये दे देंगे कि इतने में डिवाइड कर रखा है, उसमें डिवाइड कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्या कि ये देखो, 3 फेस हमेशा कॉर्नर्स पे होंगे, 2 फेस हमेशा एजेस पे, 1 फेस हमेशा, हम इसी की बात करेंगे हमेशा। मैं देखो आपको किसी भी फॉर्मूले के बारे में नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग फॉर्मूला यूज होता है और हम इतना याद नहीं कर सकते, इसी कारण से मैं आपको फॉर्मूला यूज करने को नहीं कहूंगा। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हम फॉर्मूला यूज कर ले, तो भाई फॉर्मूला थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा दिया, फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करता। फॉर्मूला पर्टिकुलर हर एक पे, कि अगर सब पे साइड पे का अगर कलर है तब तो ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, अब 0 फेस की बात करें तो 0 फेस कहाँ होते हैं कि देखो, जो टोटल है, टोटल माइनस 1 फेस प्लस 2 फेस प्लस 3 फेस। भाई ऑब्वियस है, जब आपका 3 फेस 2 फेस 1 फेस निकल आया तो 0 फेस कौन सा होगा? टोटल माइनस 1 फेस 2 फेस और 3 फेस, यही तो आपका होगा। ठीक है, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो भाई, टोटल निकालने के लिए आप हमेशा क्या करोगे कि अगर कभी भी अगर आपको टोटल निकालना है तो यहाँ पे देखो, जितने भी सेंटीमीटर आपकी साइड दे रखी है, जितनी भी दे रखी है, चलो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर देख लेंगे कि टोटल कैसे निकालते, क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले टाइप में आते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन आते हैं, देखो
इफ टोटल नंबर ऑफ कट्स इज 10, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी ऑपरेटेड। भाई देखो, मान लो आपके पास एक पेज है, ठीक है, आपको दो में डिवाइड करना है उस पेज को, दो पार्ट चाहिए उस पेज के, तो आप नंबर ऑफ कट्स कितने लगाओगे? एक लगाओगे। उसको काटोगे कितना? एक कट लगाओगे, तभी तो दो पीसेज में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको फोर पीसीज चाहिए तो नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे? तीन। ऐसे ही मान लो अगर आपको 10 पीसीज चाहिए, 10 पीसीज चाहिए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 पीसीज चाहिए तो नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे? नाइन। तो सेम वही वाली बात है, अगर टोटल नंबर ऑफ कट्स 10 लगा दिए, कट्स आपके बार कितने लगाए, तो पीसीज हमें कितने मिलेंगे? 11। अगर मैंने 4 कट्स लगाए तो पीसीज कितने मिलेंगे? 5। समझ में आ गया? तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज दैट कैन बी ऑब्टेन। देखो भाई, मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 11। अब भाई इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज, तो देखो क्यूब के अंदर हमेशा नंबर ऑफ पीसीज जो मिलेंगे वो मिनिमम मिलेंगे, और क्यूबॉइड में हमेशा क्या होगा, जो नंबर ऑफ पीसीज है वो मैक्सिमम मिलेंगे। समझ आया आपको? ठीक है, तो बस वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पे इसका तो सिंपल सा आंसर है, नंबर ऑफ कट्स कितने हैं? 10। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज कितने होंगे? 11। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ कट्स इज 10, देन द मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज कितने होंगे? 11। समझ आया आपको? सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कट्स इज 10, देन द फैक्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज दैट कैन बी ऑब्टेन। देखो देखो भाई, अगर नंबर ऑफ कट्स 10 लग रहा है तो उसके अंदर कभी भी क्या है, आपका क्यूब नहीं बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 10 कट्स को डिवाइड करना है, अलग अलग में बांटना है, ताकि उसके अंदर क्या हो जाए। आपको ये बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ कट्स है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, नंबर ऑफ कट्स क्या होते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई मैक्सिमम के लिए, और नंबर ऑफ कट्स पीसीज निकालने के लिए। ठीक है, और नंबर ऑफ पीसीज दे रखे हैं, नंबर ऑफ कट्स निकालने हैं, तो हमेशा वो क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, इफ द टोटल नंबर ऑफ कट्स इज 10, देन द फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज दैट कैन बी ओपन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज पूछा है कि कितने मिलेंगे, तो आपको ऐसे इसको डिवाइड करना है कि दो तीन में डिवाइड करना है। ठीक है, तीन में से दो नंबर तो सेम हो और एक में सिर्फ एक का ही डिफरेंस आई, एक में सिर्फ एक का ही डिफरेंस आई। तो देखो, थ्री थ्री अगर इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 3 3 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्लस 3 प्लस 4। नंबर ऑफ कट्स हमेशा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीसीज हमेशा मल्टीप्लाई होती है, नंबर ऑफ कट्स हमेशा प्लस होते हैं, नंबर ऑफ पीसीज हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो कट्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 3 3 4, दो नंबर तो सेम, दो नंबर सेम और एक के अंदर सिर्फ एक का ही डिफरेंस हो, इस तरीके से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 3 4, तो नंबर ऑफ पीसीज निकालने के लिए क्या होगा? देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, अगर नंबर ऑफ कट्स 3 लगाएंगे, नंबर ऑफ कट्स 3 लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 4। नंबर ऑफ कट्स 3 लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 4। और नंबर ऑफ कट्स 4 लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज कितने हो गए? 4 × 4 × 5 = 80। आपको अगेन एक बार रिपीट करता हूँ कि कट्स हमेशा प्लस होते हैं, पीसीज हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कट्स 10 के लिए 3 3 4, अब 3 कट लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 4। दोबारा से 3 कट लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 4। और 4 कट लगाएंगे तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 5। तो 4 × 4 × 5 = 80। समझ आया? नेक्स्ट और करते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चन। देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ कट्स इज 20, देन फाइंड द रेशियो मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज दैट कैन बी ऑब्टेन। तो देखो भाई, मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज तो सीधा तुम आपका 21 आ रहा है, नंबर ऑफ कट्स कितने हैं? 20, तो 21 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स पीसीज, सॉरी, नंबर ऑफ पीसीज हमें करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो नंबर सेम और एक के अंदर सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो? 7 7 6, 7 7 7 6 हो गया ना। तो नंबर ऑफ कट्स आपने क्या लगाया? 7 7 6। अब नंबर ऑफ पीसीज के लिए आप क्या करोगे, अगर नंबर ऑफ कट्स 7 लगाया तो नंबर ऑफ पीसीज कितने मिलेंगे? 8 × 8 × 7। ठीक है, तो आपका आंसर 4 4 8। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हमने क्या लगाया? 6 7 7। ठीक है, नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ पीसीज 6 लगाए तो 7, 7 लगाए तो 8, 7 लगाए तो 8, तो कितने मिलेंगे? 4 4 8। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 4 8 = 21। ठीक है, अब आपके थोड़ा सा और अलग दे दिया क्या, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीसीज। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीसीज, कि हम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स कितने लगाएं कि 50 पीस मिल जाए मैक्सिमम, तो 49। ठीक है, वहां पे हमें क्या मिल रहा था कि हम नंबर ऑफ कट्स आए तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसीज कितने हैं? एक ज्यादा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स एक कम। ठीक है,
50 है तो 49, क्लियर। नेक्स्ट आपका है, और क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू गेट 50 पीसीस। तो देखो भाई, अब की बार मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, मैंने क्या कहा था आपको, कट्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, प्लस, पीसीस हमेशा मल्टीप्लाई। तो आपको इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ कट्स जो है वो प्लस हो, तो 50 को डिवाइड कर लो कि कैसे कैसे करोगे आप, 5 × 5 × 2, 2 × 5 × 5, नंबर ऑफ कट्स हो गया। तो नंबर ऑफ पीसीस क्या लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, 2 के लिए कितने नंबर ऑफ कट्स, 1, 5 के लिए 4, 5 के लिए 4, तो 1 + 4 + 4, 9, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, समझ आया आपको। इसी टाइप के आपको बाकी और भी आप कितने भी दे दे आप निकाल सकते हो, 45, 50, कुछ भी आपको दोनों बताएं। अब आपको और कि क्यूब के अंदर और किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो बड़ा ही सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ए क्यूब हैविंग ए साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ऑन ऑल द फेसेस, पूरे के पूरे फेसेस पे कितने कलर क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक क्यूब है और रेड कलर कर दिया, ठीक है। एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ऑब्टेन। अब हर एक को एक एक सेंटीमीटर में बांट दिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस, 0 फेस, हम सारी की सारी इस क्यूब के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये क्यूब 6 × 6 × 6 का एक क्यूब है, और इसको 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे काउंट करते हैं, जो भी जितना भी सेंटीमीटर में हम उसको डिवाइड करते हैं वो, और डिवाइड बाई, देखो एज एक्सप्लेन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स 6/1 का क्यूब, 1/1 क्यों क्या है, 1 सेंटीमीटर ईच उसने लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, इस कारण से, ठीक है। तो उसका एक क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6/1 का क्यूब, 216 स्मॉलर क्यूब। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे, 216, ठीक है। अगर एक साइड की बात करें तो 216 / 6 यानी 36 एक में बन रहे हैं, 36 एक साइड बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सामने एक क्यूब है, क्लियर। अब इसके अंदर क्या है, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और 0 फेस, ये निकालना है आपको। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, जो 3 फेस है वो हमेशा कॉर्नर्स पे होते हैं, वर्टेक्स पे होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। और कॉर्नर्स हमेशा कितने होते हैं, 8। तो आपका आंसर सीधा सीधा 3 फेस कितना है, 8। अगर 4 फेस बोले तो 0, 5 बोले तो 0, 6 बोले तो 0, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 कॉर्नर्स होते हैं, आप अपने रूम को भी देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है 2 फेस के लिए, देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था, 2 फेस हमेशा, बस इस चीज़ को याद रखना है, 3 फेस, 2 फेस हमेशा कहाँ होते हैं, एजिस पे यानी साइड्स पे, ठीक है। अब साइड के अंदर कॉर्नर्स को हटा दो, बीच में कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 4 बचे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एजिस कितना, एक एज के ऊपर कितने क्यूब है, 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजिस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एजिस है 12, ठीक है। तो 2 फेस कलर कितने होंगे, 12 × 4 = 48। यहाँ देखो मैंने आपको करा भी है, यहाँ पे ये आपका 3 फेस तो हो ही गया सीधा सीधा। अब 2 फेस की बात करें तो 2 फेस कितने हो गए, 48। 48 क्यों आए यहाँ पे, ये 48 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे हमारे 12 तो एजिज है और एक एज के ऊपर 4 क्यूब है, ठीक है। इस कारण से हमारा आंसर कितना आया, 48 क्यूब, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं 1 फेस की, किसकी, 1 फेस की, ठीक है। तो अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, साइड हटा दो और कॉर्नर हटा दो, मिडल में जो जो क्यूब है उसको काउंट कर लो, मिडल में कितने हैं। और जो 1 फेस है वो हमेशा मिडल में होते हैं, सरफेसेस पे होते हैं, 6 सरफेस है जो मिडल में होंगे, ठीक है। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब 16 क्यूब है एक के अंदर, 6 है हमारी साइड, तो 16 × 6 मतलब 96, ठीक है, मतलब 96। तो देखो भाई, अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये 96 कैसे आया, कि 16 × 6, 16 कैसा है, एक मिडल में 16 होता है, एक मिडल के अंदर 16 क्यूब है और टोटल कितने सरफेसेस है, 6, ठीक है। तो × 6, 96 क्यूब, अब आपका 3 फेस आ गया, टोटल क्यूब आ गया 216, 3 फेस 8, 2 फेस 48 और 1 फेस 96, 3 फेस कॉर्नर्स पे, 2 फेस एजेज पे और 1 फेस हमेशा मिडल में, ठीक है। इस कारण से कितना आया, 96 क्यूब,
उसके बाद में फिर आप निकालना है हमें जीरो फेस। अब आपको सोचेंगे कि भाई इस पे तो पूरा का पूरा कलर है, जीरो फेस कहाँ से आया? तो आप देखो, मान लो दो बच्चे हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, शोल्डर टू शोल्डर टच करते हुए, अगर पूरे को कलर कर दिया, क्या जो टच वाला हिस्सा है वो कलर होगा? नहीं ना। ऐसे ही अगर मान लो ये मैं ऊपर वाले का क्यूब हटा दूँ, नीचे वाले हटा दूँ, ठीक है, ये साइड वाले भी हटा दूँ, तो क्या बीच वाले जो है उसके अंदर कलर हो रहे होंगे? नहीं हो रहे होंगे ना, तो वही क्या है, जीरो फेस। ठीक है, ये कैसे काउंट करते हैं? हमारे पास हमेशा थ्री फेस, टू फेस, वन फेस तो आएगी, जीरो फेस कौन से होंगे? टोटल भी है, तो टोटल माइनस थ्री फेस प्लस टू फेस प्लस वन फेस इक्वल टू जीरो फेस आ जाएगा। तो सिंपल, हमारे पास देखो टोटल कितने हैं, 216 माइनस वन फेस 96, टू फेस 48, थ्री फेस 8, इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया, हमारा आंसर कितना आया, 64 क्यूब। ठीक है, अब ऐसे ये 5 का निकाल लो, कि 5 सेंटीमीटर का ऐसे ही क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में बांटा हुआ है, या 4 का निकालो, 3 का निकालो, कैसा भी निकालो, वो आपका सबका आंसर इसी ही तरीके से आना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, सिंपल आपको काउंट करना है, एक बार डायग्राम बनता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक अलग टाइप। देखो अब की बार इसने क्या काम कर रहा है, एक क्यूब हैविंग एन एज ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, इट इज पेंटेड रेड ऑन टू अपोजिट फेस, ब्लू ऑन वन अदर पेयर ऑफ अपोजिट फेस, ब्लैक ऑन वन मोर फेस, एंड वन फेस इज लेफ्ट अनपेंटेड। एक जो फेस है उसको अनपेंटेड रख देने दिया, देन इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, आंसर द फॉलोइंग। वही टोटल पूछा होगा, थ्री फेस, टू फेस, वन फेस और जीरो फेस, थ्री फेस, टू फेस, वन फेस, जीरो फेस पूछा, ठीक है। तो हमारा वही फॉर्मूला, वही सेम सब कुछ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन ने क्या कहा है, दो फेस पे रेड है अपोजिट पे, ये रेड और ये रेड, ठीक है, साइड में क्या है, ब्लू है, साइड में क्या है, ब्लू, ठीक है, एक फेस पे क्या है, ब्लैक, और ऊपर वाला क्या हो गया, अनपेंटेड है, ठीक है, पांच, यानी कहने का मतलब पांच सरफेसेस पे कलर है, एक पे कलर नहीं है। ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ, आमने सामने दो पे रेड है, साइड वाले पे दो अपोजिट कोई भी ले लो, मर्जी है आपकी, चाहिए वाले भी ब्लू ले लो, मैंने यहाँ पे ये ब्लू लिया है, यहाँ पे ये रेड लिया मैंने, ये ब्लू और ये ब्लैक, ठीक है। अब आपको देखते हैं, यहाँ यहाँ देखो, ये आपका 4 × 4 × 4 का क्यूब है, देखो भाई यहाँ पे भी 4 × 4 × 4 का मतलब नंबर ऑफ कट्स कितने लगेंगे, 3 3 3, देखो नंबर ऑफ कट्स 1 2 3 3, 1 2 3 3 और 1 2 3, ठीक है, 4 × 4 × नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, 3 3 3, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वही है, क्या कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, 4 क्यूब डिवाइड बाई 1 क्यूब, 4 क्यूब डिवाइड बाई 1 क्यूब। देखो भाई दोबारा से बताता हूँ, ये 4 क्यूब कैसे आया, 4 क्यूब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था, 1 सेंटीमीटर ईच के अंदर उसको स्मॉलर क्यूब के अंदर बांटा हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है, तो 4 क्यूब डिवाइड बाई 1 क्यूब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना आया, 64, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, टोटल नंबर हमारा आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब 64, ठीक है। अब बारी आती है थ्री फेस पेंटेड की, अब यहाँ देखो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, थ्री फेस पेंटेड हमेशा कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर, वैसे तो थ्री फेस हमारे कॉर्नर्स कितने हैं, 8, ठीक है भाई, यहाँ देखो हमें इसको पूरे को यूज करना है, थ्री फेस अगर कहीं पे यूज नहीं होता है तो टू फेस में यूज होगा, टू में नहीं होता तो वन में होगा, वन में नहीं होता है तो जीरो में होगा, हमें पूरे के पूरे सारे के सारे इसको यूज में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस के ऊपर कलर नहीं है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये टू 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 फेस में आएंगे, वन फेस में, थ्री फेस में तो आ ही नहीं सकते, ऊपर वाले पे तो कलर ही नहीं है, समझ गए। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, पांच फेस पे कलर है, एक पे कलर नहीं है, तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, थ्री फेस कलर, तो नीचे वाले 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो थ्री फेस कलर हमारे कितने होंगे, 4, ठीक है, और 4 बच गए, ठीक है भाई, अब जो बचे हुए कलर है वो उसको कंटिन्यू साथ साथ में यूज में लेना है, ठीक है। अब एक बार साइड में 4 को रख देते हैं, हमारा आंसर 4 आ गया, 4 अभी कॉर्नर्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। अब बारी आती है टू फेस पेंटेड की, किसकी, टू फेस पेंटेड। अब टू फेस पेंटेड का यहाँ पे क्या होगा, देखो टू फेस पेंटेड, मैंने आपको क्या बताया था, टू फेस हमेशा साइड्स में होते हैं, टू फेस हमेशा कहाँ होते हैं, साइड्स में, साइड्स यहाँ पे हमारे साइड्स के अंदर कॉर्नर्स को हटा देते, तो साइड में हमारी कितनी है, 1 और 2, एक साइड में 2 है, ठीक है। अब वही बात, एक सरफेस पर कलर नहीं है, तो एज कितनी गई, एक सरफेस के ऊपर 4 एजिज होती है, उनके ऊपर भी कलर नहीं होगा, वो टू फेस की जगह काउंट किस में होंगे, वन फेस में होंगे, क्लियर। तो हम एक एज को हटा देंगे, तो कितने बची हमारी एजिज, 8,
एक एज के ऊपर कितने क्यूब है? दो। एक एज के ऊपर कितने क्यूब है? दो। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, टू फेस निकालने के लिए हमने 8 × 2 = 16, समझ आया? क्यों? 8 तो एजिज है, एक एज के ऊपर दो क्यूब है, 8 × 2 = 16। ठीक है, प्लस फोर, प्लस फोर कौन से है? ये कॉर्नर वाले क्यूब, यहाँ पे कॉर्नर वाले क्यूब, कॉर्नर वाले के अंदर थ्री फेस में काउंट नहीं है, लेकिन टू फेस तो है उन चार में। उन चार में कितने हैं? देखो यहाँ पे, एक दो, ठीक है, ये वाला 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हमारे टू फेस है, यहाँ पे थ्री फेस नहीं है, तो ये टू फेसेस में तो काउंट होंगे, तो 16 + 4 यहाँ पे कितना आ गया? 20, समझ आया? 16 + 4 = 20। उसके बाद में फिर बारी आती है किसकी? वन फेस। अभी पहले हम ये देख लेते हैं, थ्री फेस हमारे 8 के 8 काउंट हो गए, 4 तो 3 फेस में और 4 2 फेस में, ठीक है। अब टू फेस वाले जो हमारे एजिज वाले, अभी हमारे पास कितने क्यूब बचे हुए हैं? हमारे एजिज वाले क्यूब जो बचे हुए हैं वो अभी 8 बचे हैं, क्योंकि 4 एजिज बची हुई थी टोटल, हमने एज कितने यूज लिया है? 8। एक एज में कितने क्यूब है? 2, तो हमारी 4 एज बची हुई है, कितने क्यूब है एक एज पे? 2, तो टोटल 8 बचे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं वन फेस पेंटर की। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 6 में से 5 फेस के ऊपर कलर है, ठीक है, तो और एक फेस के ऊपर, एक मिडल के अंदर कितने क्यूब है? 1 2 3 4, 4 ही तो है, ठीक है, 1 2 3 4, बस हमने कॉर्नर्स हटा दिए और एजेज हटा दिए, तो कितने बचे? 1 2 3 4, तो हमारे टोटल सरफेस कितने हैं? 5, तो 5 × 4 = 20, और प्लस एजेज के ऊपर भी वाले वन फेस में तो काउंट होंगे, तो 20 + 8 कितने बच गए? 28। ठीक है, आप जीरो फेस निकालना है तो टोटल माइनस, टोटल कितना? 64 - 3 फेस, 2 फेस 1 फेस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 फेस 12। समझ आया आपको? अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर और भी लिख सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आए, तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, बाकी आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे आपको समझ आएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन आपका, बड़ा ही कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, क्या है? ऑल द 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए क्यूब आर कलर्ड विथ 6 डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो आप क्वेश्चन ने क्या कहा है? रेड फेस इज अपोजिट टू द ब्लैक फेस, ठीक है, जो रेड फेस है वो ब्लैक फेस का अपोजिट होना चाहिए, ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक होना चाहिए, ब्लू फेस एडजेसेंट टू व्हाइट फेस होना चाहिए, ब्राउन फेस होना चाहिए ब्लू फेस, और रेड फेस इज इन द बॉटम। ये मैंने आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ए बी ई एफ, ये ए बी ई एफ, इसके ऊपर अब मैंने कर दिया रेड, ठीक है, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे हो रही है, डी सी एच जी, ये रहा इसके अपोजिट में, रेड के अपोजिट ब्लैक, ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी है फ्रंट वाला, ठीक है, ये हमारा कौन सा है? ग्रीन, ई एफ जी एच ब्लू है, ए एफ जी डी वाइट, और बी सी एच ई ब्राउन। तो आप इसके अंदर ये पूछ लेंगे कि रेड के साइड में कौन से कलर है, ब्लैक के साइड में कौन से कलर है, या फिर रेड के साइड में कौन सा है, ब्राउन के साइड में कौन सा है, ब्लू के अपोजिट कौन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको 2 3 क्वेश्चन दे देंगे, तो आपके सामने कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैंने आपके सामने ये लेके आया हूँ, ठीक है, सामने आपके आंसर है। नेक्स्ट एक और टाइप, ये है क्यूबॉइड की, ठीक है, मैंने क्यूब बताया है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम क्यूबॉइड का और करते हैं यहाँ, कि क्यूबॉइड के अंदर डायग्राम और किस हिसाब से बनते हैं। देखो, द फ्लोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड शेप वुडन 6 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट। देखो भाई, तो सिंपल, टोटल 1 × 4 × 6, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए? 24। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स 24। अब कट्स कितने लगे हैं? 6 के लिए 5, 4 के लिए 3, 1 के लिए 0। तो डायग्राम आपके सामने यहाँ देखो, ये रहा डायग्राम आपके सामने है कि 1 सेंटीमीटर ये रहा, कट सामने लगाया ही नहीं, नहीं तो बीच में कट्स आता ना यहाँ पे, 0। 6 के लिए 5, 1 2 3 4 5, 4 के लिए 3, 1 2 3, ठीक है, ये हमारा कौन सा? ब्लैक, ब्लैक कलर हो गया, ग्रीन, ग्रीन के नीचे ग्रीन, और रेड, और रेड, ठीक है, यहाँ पे हमारे कट है नहीं, तो नीचे वाले भी जो सरफेस है उसके ऊपर भी कलर कौन सा है? ग्रीन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब टू फेस 4 × 1 सेंटीमीटर आर कलर्ड इन ब्लैक, 4 × 1, ये रहा 4 × 1 के ऊपर कलर कौन सा है? ब्लैक, उसका अपोजिट भी ब्लैक है। टू फेसेस मेजर कलर्ड इन रेड, 6 × 1 वाला, 6 × 1 रेड और रेड आमने सामने, ठीक है, और अपोजिट के ऊपर कौन सा हो गया? 6 × 4 वाला, ये हमारे देखो 6 × 4 ये है, 1 2 3 4, इसके ऊपर कौन सा है? ग्रीन और ग्रीन, आपका डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं इसमें? क्वेश्चन पहला आपसे ये पूछ लिया कि
हाउ मैनी क्यूब्स हैविंग रेड ग्रीन एंड ब्लैक कलर्स आर ऑन एटलीस्ट वन साइड ऑफ द क्यूब विल बी फॉर्म। कि भाई जिसके ऊपर रेड भी आ जाए, ग्रीन भी आ जाए, ब्लैक भी आ जाए, तो तीन कलर। क्वेश्चन सिंपल से पूछे कि थ्री कलर फेस कौन से होंगे, तो हमारे यहाँ पे 8 क्यूब है ही नहीं, बीच में कोई डाउट, इसमें कोई इसके अंदर पार्ट किया ही नहीं। हमारे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स है ही कितने, 4 है, तो 1 2 3 4, तो आंसर हमारे क्या आएगा, 4। समझ आया? उसके बाद में फिर क्वेश्चन में ये पूछ लिया क्या, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 4 कलर साइड्स एंड 2 नॉन कलर साइड्स। तो देखो, नॉन कलर साइड्स पूछा है, 4 कलर साइड होना चाहिए और 2 नॉन कलर साइड। मैंने आपको बताया था कि दो कलर, अब जैसे ये और ये वाला कलर, ये वाला क्यूब और ये वाला क्यूब दोनों आपस में टच है, तो ये साइड वाला जो है इसके अंदर तो कलर हो नहीं रखा होगा, ना ही इसके ऊपर, ठीक है, बाकी सब पे तो कलर है ही। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 24 है, तो ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कितने हैं जिसके 4 साइड तो कलर है और 2 साइड में कलर नहीं है, तो कितने होंगे, 24 - 8 = 16। आप आंसर कितना होगा, 16, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ग्रीन कलर ऑन 2 साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द 4 साइड्स हैविंग नो कलर। तो देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा कि ग्रीन कलर 2 साइड में होना चाहिए और बाकी के अंदर कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, तो भाई ऑब्वियस है मिडिल वाले ग्रीन कलर कहाँ है, बीच में है, और यहाँ पे ही साइड में वही जो मिड मिड के अंदर है वही तो ग्रीन होंगे, जैसे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका अंदर आंसर कितना आएगा, 8, ठीक है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर आर रिमूव। अगर ब्लैक और ग्रीन को अगर आप रिमूव कर देते हैं, ब्लैक और ग्रीन को, तो कितने क्यूब बचेंगे, तो ब्लैक यहाँ पे, ठीक है, अगर ब्लैक भी हटा दिया, और हाउ मेनी क्यूब्स विल रिमेन इफ द क्यूब्स हैविंग ब्लैक एंड ग्रीन कलर आर रिमूव। अगर ब्लैक और ग्रीन कलर को बिल्कुल ही हटा दिया, तो आपके पास कितने क्यूब बचेंगे, ठीक है, यही पूछा है इसके अंदर। तो यहाँ देखो, इसके अंदर सिर्फ अकेले ब्लैक हो और अकेले ग्रीन हो, इसने क्वेश्चन में ये कहा है कि उसको हटा दो, तो कितने क्यूब बचेंगे। अब ब्लैक तो ऐसा कोई है ही नहीं, ओनली ब्लैक हो किसी के ऊपर, हो बाकी कोई कलर ही ना हो, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक और ग्रीन दोनों ही है, ठीक है। तो अभी सिंपल सा आप इसको काउंट करना है क्या, कि ब्लैक और ग्रीन दोनों सिर्फ वो ही कलर हो, बाकी कोई भी कलर नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने क्यूब। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा भाई, यहाँ डी नहीं आना चाहिए, सी आना चाहिए, क्योंकि देखो ब्लैक और ग्रीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 24, 24 - 12 = 12, आंसर यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 12, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही पार्ट 1, बाकी हमको और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप एक बार इसको देखो, इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।